अब मैं बात करती हूँ सिंह राशि यानी लियोज की, कैसे रहने वाला है आने वाला वीक। ठीक है, सबसे पहले मैं सिंह राशि वालों की जो बात करूँगी वो आपके लव लाइफ, आपके इमोशनल रिलेशंस जो भी हैं क्लोज फ्रेंड्स उनकी बात करती हूँ सिंह राशि वालों की। मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ एंड आपकी फैमिली की। अब मैं बात करती हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी मनी मैटर्स की। ओके ठीक है, बड़े कंफ्यूजन कार्ड आए हैं एक्चुअली आपके सिंह राशि वालों के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की और आपकी इमोशनल रिलेशंस या आपकी क्लोज फ्रेंड्स की मैं बात करती हूँ। तो वो ये है कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं या आपकी जो रिलेशनशिप है या आपकी जो बी लव्ड है या आपके जो लवर्स हैं या आप जिनसे आप प्यार करते हैं इमोशनली जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ आपका मनी मैटर बहुत अच्छे सुलझता है। ये हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत लकी हों आपकी मनी मैटर में। अक्सर आपको लगता है कि जब भी वो लोग मिलते हैं आपके साथ रहते हैं या जब से वो आपके साथ में हैं आपने काफ़ी पैसा कमाया है उसके साथ, आप वो आपके लकी है मनी मैटर में जब भी आप उनसे मिलते हैं और आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहें ताकि आपका जो मनी है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं मनी से कनेक्शन आया है। पेंटिकल्स का डिस्क का कार्ड आया है, लव रिलेशनशिप में डिस्क का कार्ड आने का मतलब है आप पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं अपने लव रिलेशन से कम, यानी कि जो आपका प्यार है वो आप पैसे से ज़्यादा करते हैं किसी इंसान से कम करते हैं। तो ये सिंह राशि वालों का कार्ड आया है, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड है, नॉट नेगेटिव, वेरी पॉजिटिव कार्ड दिस। पैसे की आवक दिखा रहे हैं यानी कि आपका प्यार आपका पैसा ही है तो पैसा आएगा आपके पास, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लव रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो भी कार्ड पॉजिटिव है, यानी कि कार्ड इज़ पॉजिटिव, आप अच्छे गिफ्ट पा सकते हैं या अच्छी गिफ्ट दे भी सकते हैं, पैसा खर्च भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा आया है। मैं बात करती हूँ आपकी फैमिली की और आपकी हेल्थ की। जहाँ तक बात करती हूँ आप हेल्थ की, कार्ड पॉजिटिव आया है, लेकिन अगर आप फैमिली की बात करती हूँ तो वहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा। दोनों ही कार्ड आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है इन मनी, आपको डेस्टिनी सपोर्ट करती है इन मनी। कहीं ना कहीं पैसे की आवक शुरुआत, कहीं ना कहीं पैसे के लिए जो आप अगर रुका हुआ था वो आने वाला है, कहीं कहीं आपने उधार दिया था वो आपके पास आने वाला है, अचानक मिलने वाला पैसा, आपके लिए दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं रिगार्डिंग योर मनी। बोथ आर द वेरी गुड, योर लव रिलेशनशिप यू नीड समवन फॉर लक एंड आपकी फैमिली दोनों आपको सपोर्ट कर रही हैं। अब मैं बात करती हूँ आपकी मनी मैटर आपके प्रोफेशन की। दोस्तों जहाँ तक ये कार्ड है इट्स ए निगेटिव कार्ड, जहाँ तक ये कार्ड है दे आर द पॉजिटिव कार्ड अबाउट योर लव रिलेशनशिप एंड योर फैमिली, यानी कि आपको आपके बी लव की आपके फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती है जब आपको मनी मैटर का प्रॉब्लम आता है, वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। अगर आप अकेले ही सोचें कि मैं पैसा कमा लूँगा या मैं प्रोफेशनल लाइफ में सफल हो जाऊँगा तो इसमें आप फेल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। आपका ये हाल है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में तो सबसे पहले है कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको लगता है कि मुझे छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नई जॉब लेनी चाहिए, या अगर आप बिज़नेस में भी हैं तो आपको चेंज करने का बहुत मूड है क्योंकि पैसा आता हुआ नहीं दिख रहा है आपको। जब आप अकेले कमाने जाते हैं पैसा या आपको लगता है कि मैं खुद पैसा कमा लूँ या मैं खुद स्टेबल हो जाऊँ, आप फेल हो जाते हैं। आपको हमेशा अपने फ्रेंड सर्किल या अपनी फैमिलीज का सपोर्ट लेना ही पड़ता है, ये आपका कारण है, इसीलिए आप मूव ऑन करने की सोचते हैं। आप बहुत बार मूव ऑन करते हैं और सोच भी रहे हैं, अभी राइट नाउ भी सोच रहे हैं, इस हफ्ते भी आपको लग रहा है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, यानी प्रोफेशन ये मेरा बैठ नहीं रहा है या मेरा बिजनेस है वो ही बैठ नहीं रहा है, तो यू वांट टू मूव ऑन। बट अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आप बार बार मूव ऑन करते हैं, यानी यू नीड द लक, यू नीड द पर्सन जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो मूव ऑन बार बार करने से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं दोस्तों, स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीक मूव ऑन ना करें, मेरा जो प्रेडिक्शन का मतलब है वो यही है, अगर आपका दिमाग आपको दिल कर रहा है कि आपको मूव ऑन करना है तो इस वीक मूव ऑन ना करें, दिस इज़ माई प्रेडिक्शन फॉर यू, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करने से आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो उसके लिए भी ना है। मनी वाइज कार्ड्स अच्छे हैं बट यू नीड द सपोर्ट सिस्टम, इट्स नंबर वन थिंग यू हैव, आपको चाहिए। उसके अलावा मूव ऑन ना करें, कोई भी दुखी होकर के परेशान होकर के, नो प्लीज़ डोंट डू इट। तो ये मेरा आपके प्रेडिक्शन था। मैं बात कर लेती हूँ आपकी यस और नो कार्ड की। तो आप अपने दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन सोच लीजिए जिसे कि आप यस और नो चाह रहे हैं इस वीक के लिए। मैं आपका कार्ड निकालूंगी, अगले 5 सेकंड आप ही के लिए हैं।
ठीक है, अब आपने सोच लिया अपने दिमाग में, तो मैं आपको अब यस और नो का कार्ड निकालने वाली हूँ। लियोज की मैं बात कर रही हूँ, सिंह राशि वालों की। ओके, जहाँ तक बार बार में वही कार्ड आया है, आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करती है मनी वाइज। और अगर आप फैमिली में कोई फंक्शन करने वाले हैं या खर्चा करने वाले हैं या कोई गेट टुगेदर करने वाला है तो उसके लिए हाँ है, और होगा ही क्योंकि ये वीक आपके लिए यही कह रहा है। तो मेरी तरफ से हाँ है, पॉजिटिव कार्ड आया है, दिस इज़ फॉर यू।